घर के सामने खंडर है। मैं रोज उसे घंटों तक देखता हूं। ताजुब की बात है, उसमें रोज कुछ बदलता हुआ दिखता है। कभी उसकी छत पे जो छेद है वो बढ़ता हुआ दिखता है, तो कभी उसके खिड़की के शीशे टूटते हुए नजर आते हैं। सीढ़ियां भी एक एक करके गिरती हुई दिखती है और वहां से उड़ते परिंदों की गिनती हर रोज घटती रहती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जितना मैं उसे देख रहा हूं उतना ही वो मुझे देख रहा है, कि मानो हम एक दूसरे को समझते हो या जैसे हम दोनों एक ही हो। अकेले से पड़े, खाली से हो गए। मैं देखता हूं रोज कुछ बच्चे वहां जाते खेलने के लिए, उसके खालीपन में अपना सुकून ढूंढ लेते और फिर शाम को खुशी खुशी अपने घर रवाना हो जाते। मैं सोचता हूं कि कोई ठहरता नहीं तो क्या उसे बुरा नहीं लगता होगा क्या, या वो भी आधी हो गया ऐसे रिश्तों का मेरी तरह हो ही गया होगा। वैसे भी कहते हैं कोई इमारत खंडर तब बनती है जब वो अपने अंदर के अंधेरे को ही अपना सच मान ले। हम पूरे दिन बस सोचते रहते कि एक दूसरे से क्या बात करें, पर जब रात को बैठते तो बिल्कुल चुप रहते, एक दूसरे की खामोशी से एक दूसरे के दुख का अंदाजा लगाने की कोशिश करते। किसी की चुप्पी में खालीपन महसूस किया है, दर्द महसूस किया है, कि जैसे सांस लेना भी बोझ लग रहा हो। अरे आंसू तो सबके बह जाते, पर कभी किसी की आंखों में ठहरे हुए आंसू देखे जो दिखने से भी डरते हो? जैसे किसी पौधे को पेड़ ना बनना हो, फल देने की कोई आरजू ना बची हो। अकेलापन खुदगर्ज बनाता है या तबाह करता है नहीं पता। मैं फिर से उस खंडर की ओर देखता हूं, किस उम्मीद में सांसें लिए जा रहा है वो, मैं, हम सब सिर्फ ठीक होना चाहते ना, कल के मुकाबले आज थोड़ा ज्यादा खुश होना चाहते हैं। पर उसे आस है दूसरों से और हमें होनी चाहिए खुद से, क्योंकि हम ही हमारा आसमां है और हम ही हमारी जमीन। हम ही तन्हा रेगिस्तान में है और हम ही रोशन जमाने में भी। हम ही अपना प्रेम है और हम ही हमारा दर्द भी। हम जो आज चुनते हैं वही बनता हमारा कल है, जो सही चुन लिया तो इतिहास, जो गलत तो चलते फिरते खंडर हम भी। थैंक यू सो मच।